अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। हम अपना मेयार ज़माने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ बयान से बाहर है, तू जिस कदर चाहे मुबालिगा कर ले, और आपके औसाफ को बाकसरत बयान कर, लेकिन फिर भी तू आपके वस्फ का अहाता हरगिज न कर सकेगा इंसान। पकड़ने वाले हाथ ख्वा कितने ही लंबे क्यों ना हो जाएं, सूर्या तक उनकी रसाई हरगिज नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने आपको मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वो ज़ात मुबारक है जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत ही मोहब्बत और इश्क से मुस्तफा बनाया, और वो कुर्ब अता फरमाया जो अहाता जहत और मंजिलत से पाक है, और मेराज के साथ आपको मखसूस फरमाया, और उसके अजायबात पर आप ही को मुतला फरमाया, और फजाइल व कमालात से आपको बरगजीदा फरमाया। बैतुल मुकद्दस में हजरात अंबिया इकराम के आते और जाते वक्त इमामत से नवाजा, ताकि ये बताया जाए कि आप ही सैयदुल कुल हैं, आप ही तमाम की इब्तदा और इंतहा के मददगार हैं। ये है मेरे प्यारे नबी के औसाफ, जो कभी भी किसी के भी पहुंच से बाहर हैं। मेरे नबी के लिए सारे जहान बनाए गए, सुभान अल्लाह, मेरे नबी को नूर बनाया गया, हर तरफ नूर ही नूर। जब भी कोई देखना चाहे, कोई सोचना चाहे, कोई अंदाजा लगाना चाहे, तो वो इश्क से प्यारे नबी पे दरूद भेजे, और उस नूर की छोटी छोटी किरणें जब उस तक पहुंचेंगी, तो तब उसको अंदाजा होगा कि मेरे नबी का मकाम क्या है, क्या मकाम था अदब का, और अदब भी किस गजब का, कि थे जिब्राइल आते दरेशा पे डरते डरते। आइए सब मिलके इश्क से प्यारे नबी पे सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या नबी अल्लाह, वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह, या नूर अल्लाह, या नूर अल्लाह।